नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो आज कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया भारत माता की सेवा में। तो मैं भगवान से कामना करूँगा कि उनके परिवार वालों को शक्ति मिले, आत्मशक्ति मिले, ताकि वो इन सारी चीज़ों से उभर कर आगे आ सकें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्क्रू यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मतलब कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे हम कितने टाइप के स्क्रू यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले हम आपको बताएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू, मतलब कि स्क्रू की नेमिंग क्या क्या होती है, स्क्रू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती, उसके एक एक चीज़ को हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, एक एक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या आता है कि टाइप्स ऑफ स्क्रू। तो स्क्रू हमारा बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है जनरल पर्पस स्क्रू, नंबर 2 नायलॉन स्क्रू, नंबर 3 PVC स्क्रू, एंड नंबर 4 जो है हमारा वो है वेंटेड स्क्रू। तो ये 4 टाइप के स्क्रू हम बेसिकली यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे। तो स्क्रू वर्क कैसे करता है ये तो आपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे एक एक स्क्रू के बारे में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है हमारा स्क्रू, यही स्क्रू बैरल के अंदर होता है हमारी मशीन पे, जो प्लास्टिसाइज कराता है मटेरियल को और इंजेक्शन कराता है। तो सबसे आगे आप जो देख रहे हैं ये है NRV नॉन रिटर्न वॉल, ये प्रिवेंट करता है हमारे मटेरियल को वापस बैक आने में, कि मटेरियल हमारा वापस बैरल में ना आ जाए इंजेक्शन के टाइम। और आप जैसे देख रहे हैं ये जो सामने जहाँ पे मेरी उंगलियाँ, ये है फ्लाइट्स, इसे हम कहते हैं फ्लाइट, और इसके बीच के जो गैप होता है इसे हम कहते हैं चैनल डेप्थ, या आप कह सकते हैं फ्लाइट डेप्थ। तो ये चीज़ें चैनल डेप्थ है हमारी। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि फ्लाइट्स एक हल्का सा एंगल बना रही, थोड़ा सा तिरछा, तो ये जो एंगल है ये 17.8 डिग्री का होता है और इसी को हम कहते हैं हेलिक्स एंगल। और ये 3 जोनों में बटा होता है हमारा, फीड जोन, कंप्रेशन जोन एंड मीटरिंग जोन। तो आप देखिए तीनों जोनों के चैनल डेप्थ डिफरेंट होंगी, ये जो फीड जोन की सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद ये आप जैसे जैसे देखेंगे इसकी जो गहराई है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे हमारा स्क्रू आगे की तरफ जाने लगेगा मीटरिंग जोन या NRV की तरफ। और पीछे देखिए यहाँ हमारा कपलर होता है, यही हमारा मोटर पे फिट होता है, और ये धीरे धीरे जब मोटर रोटेट करती है तो हमारा स्क्रू भी उसी के साथ रोटेट करता है। देख रहे हैं ये है हमारा प्लंजर, और जो मेरे हाथों में ये है रिंग, रिंग के पीछे हम लगाएंगे एक स्टॉपर, ये है हमारा स्टॉपर, स्टॉपर हम फिट करेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है NRV। और हम देखें स्क्रू में कैसे फिट करेंगे, इसे फिट करने के लिए इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाकी स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का ये कारण है कि जब हमारा जो मोटर होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारी थ्रेडिंग खुल जाएगी, इसीलिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिट करते हैं। आप देखिए फिट हो चुका है। ये हमारा जनरल पर्पस स्क्रू है, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली ये हमारा थर्मोप्लास्टिक्स में यूज होता है। जनरल पर्पस हमारा 3 जोन में डिवाइड होता है, 25% फीड जोन, 50% कंप्रेशन जोन एंड 25% मेटिंग जोन। फीड जोन का हमारा जो चैनल डेप्थ होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारा कंप्रेशन जोन एंड देन मेटिंग जोन का हमारा जो चैनल डेप्थ होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं NRV पे। NRV हम ड्रूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। NRV लगाने से हमारा ड्रूलिंग नहीं होता है, मेल फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये था हमारा जनरल पर्पज स्क्रू। अगले स्क्रू की तरफ, जिसका नाम है नायलॉन स्क्रू। तो नायलॉन स्क्रू जैसा कि इसका नाम है हम उसी के मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। मटेरियल हमारा होता है नायलॉन। तो नायलॉन मटेरियल जो कि हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको पिघलाने के लिए, तो हम एक स्पेशल स्क्रू का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं नायलॉन स्क्रू। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ये नायलॉन स्क्रू का फिगर है। नायलॉन स्क्रू में क्या होता है, ये भी 3 जोनों में बटा होता है, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मीटरिंग जोन। तो ये जो सेक्शन होता है हमारा 60%, ये सेक्शन होता है हमारा फीड जोन का, और ये इसमें कंप्रेशन जोन सिर्फ 10% का होता है। मीटरिंग जोन जो होता है हमारा फाइनल, जिसमें हमारा पूरी तरीके से मटेरियल जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो पूरी तरीके से प्लास्टिसाइज होता है, मेल्ट होता है, वो होता हमारा मीटरिंग जोन। तो मीटरिंग जोन हमारा 30%। मीटरिंग जोन के बाद इस स्क्रू में लगा होता है चेक वॉल। चेक वॉल क्या काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने वॉल देखी होगी तो उसी तरीके से चेक वॉल होती है। इंजेक्शन के टाइम चेक वॉल
हमारे जो मटेरियल होता है, जो नायलॉन मटेरियल जब मेल्ट होकर फ्लो करता है इंजेक्शन के टाइम, तो ये उसे चेक वाल्व प्रिवेंट करता है कि ये वापस हमारा स्क्रू की तरफ ना आ जाए फ्लो होते हुए। तो यही हमारा बेसिक यूज है चेक वाल्व का। तो ये है हमारा नायलॉन स्क्रू, स्क्रू की तरफ जो हमारा पीवीसी स्क्रू है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीवीसी हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल है, इसे हम ज़्यादा देर तक बैरल में रखेंगे तो ये हमारा डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए हमने एक नए स्पेसिफिक टाइप का स्क्रू का इन्वेंट किया जो हमारा पीवीसी स्क्रू है। पीवीसी स्क्रू में हम पूरा कंप्रेशन जोन रखते हैं, 100% हमारा कंप्रेशन जोन होता है, इसमें हम एनआरवी नहीं देते हैं। ये हमारा विदाउट एनआरवी पीवीसी जोन पीवीसी काम करता है। पीवीसी हमारा जो मटेरियल होता है वो जो काफ़ी स्टिफ होता है, इसलिए हम इसमें एनआरवी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पीवीसी स्क्रू की तरफ, जो कि है वेंटेड स्क्रू। जैसा कि इसका नाम है वेंटेड, वेंट का मतलब ही होता है कि इसमें किसी तरीके का वेंट दिया गया है ताकि इसमें कोई चीज जो गैस वगैरह है वो बाहर जा सके। तो चलिए चलते हैं वेंटेड स्क्रू की तरफ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा वेंटेड स्क्रू है। वेंटेड स्क्रू जो है वो कई जोन्स में बटा होता है, जैसे कि यह सेक्शन हमारा फीड जोन का, ये ट्रांसिशन सेक्शन होता है कि जिसे हम कंप्रेशन सेक्शन भी कहते हैं। यहां पे मटेरियल फीड करता है, फिर यहां पे मटेरियल हमारा कंप्रेस करता है आगे की तरफ, और फर्स्ट मीटिंग सेक्शन जो मटेरियल यहां पे पूरी तरीके से होमोजीनियसली मिक्स होता है फर्स्ट मीटिंग सेक्शन में। फर्स्ट मीटिंग सेक्शन के बाद मटेरियल हमारा आगे बढ़ता है डिकम्प्रेशन जोन पे। तो डिकम्प्रेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज कंप्रेस हो जाती है उसको रिलैक्स पोजीशन पे वापस लेके आता है। तो डिकम्प्रेशन में क्या होता है, जब हमारा मटेरियल थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसमें गैसेस बन होती है, तो वो गैसेस हमारी यहां से रिमूव होती है, जो वोलाटाइल गैसेस होती यहीं पे वेंटिंग दिया गया होता और यहीं से वो बाहर की तरफ जाती। फिर आता है हमारा, जब गैसेस रिमूव हो जाती है तो सेकंड मीटिंग सेक्शन में हमारा मटेरियल आता है। सेकंड मीटिंग सेक्शन में फाइनली हमारा मटेरियल जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, मटेरियल जो है हमारा पूरी तरीके से रेडी होकर शॉट के लिए तैयार हो जाता है इंजेक्शन साइकिल के लिए। तो लास्ट जो है हमारा वो है एडजस्टेबल वॉल, यहाँ पे वॉल लगी होती, वॉल सेम काम करती है कि बैक फ्लो को इंजेक्शन के टाइम हमारे मटेरियल को प्रिवेंट करती है कि ताकि मटेरियल पूरी तरीके से बैक फ्लो ना हो, पूरी तरीके से इंजेक्शन हो पाए और वो मटेरियल वापस हमारे स्क्रू में ना आ पाए। तो ये रहा हमारा वेंटेड स्क्रू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के स्क्रू हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में और उनमें क्या क्या खूबियां हैं और एक दूसरे से वो कैसे अलग हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन को दबाएं या हमारे लोगों को टच करके आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।